नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे आपके DFCCIL एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपके ऑपरेशन और BD के एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे। और देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक कवर किए हुए जनरल साइंस का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के भी जो है आपको मिल जाएंगे क्लासेस के, तो इसका भी हमने कराया हुआ है। और देखिए, जो जनरल साइंस का आपका पूरा कंप्लीट नोट जो है, तो इसका हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, तो इन सभी का जो है आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और देखिए, ये जो PDF है आपका, तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, क्योंकि जनरल साइंस जो है आपका इसमें एक सेपरेट टॉपिक है, जो कि आपका इसे अच्छे खासे नंबर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयारी करके जाना, और PDF से आपका लगभग ये हो जाएगा। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, पिछले क्लास में जो है हमने स्टडी किया था टैक्सोनॉमी के बारे में, जिसमें कि हमने और देखा था वहाँ पे जो डिफरेंट जो जो वर्गीकरण किया गया था ऑर्गेनिजम्स का, जो बायोलॉजिकल जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, तो वो हमने स्टडी किया था। तो देखिए, आज जो है हम लोग इसमें फोकस करेंगे बॉटनी के बारे में। तो इसमें देखिए बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लाइफ के बारे में, और बाकी जो प्लांट के जो जो भी उनके होते हैं बायोलॉजी होते हैं, रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं, तो वो सारा कुछ पढ़ा जाता है बॉटनी के अंदर में। तो इसमें जो है मेनली स्टडी किया था जैसे प्लांट किंगडम के बारे में, जैसे प्लांट किंगडम में आपको बहुत टाइप्स के मिलेंगे आपको, तो उनके बारे में स्टडी किया था। इसके बाद प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स के डिफरेंट ग्रोथ के लिए, जैसे फलों को पकाने के लिए कुछ अलग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो है अब जैसे टहनियों को टूटने के लिए या फिर जोड़ने के लिए हो गया, या फिर लीव्स को फॉल कराने के लिए हो गया, तो इन सभी चीज़ों के लिए हार्मोन्स यहाँ पे वर्क करते हैं। फिर इसके बाद प्लांट में डिजीज भी जैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो ये सारा कुछ स्टडी किया था। और प्लांट के जो टिश्यू जो होते हैं इसके, तो उनके बारे में भी स्टडी किया था। और फिर मॉर्फोलॉजी है आपका, मॉर्फोलॉजी के अंदर में स्टडी किया था आपका, जैसे कि स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, तो इन सब के जो किस तरीके से पॉलिनेशन होती है और डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसके उसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये सारा कुछ स्टडी किया था। फिर इसके बाद फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है किस तरीके से होता है, ये स्टडी किया था इसके अंदर में। और फिर प्लांट का न्यूट्रिशन टाइप्स का, तो ये सारा चीज़ जो है आपका बॉटनी के अंदर में कवर होता है। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे इसमें, जो एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है आपका। तो यहाँ पे देखिए, जो प्लांट किंगडम है आपका एक्चुअली में जो, तो ये जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब जो प्लांट है उनको किस कैटेगरी में डिविजन किया गया है, तो वो बेसिस आपका रहता है यहाँ पे। तो देखिए, इसके लिए डिसाइड किया था यहाँ पे मेनली दो चीज़ से, फ्लावर का और सीड्स का प्रेजेंस या एब्सेंस होने से। तो मेनली जो क्लासिफाई किया गया प्लांट किंगडम का, तो ये जो है मेनली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया आपका यहाँ पे, एक आपका है क्रिप्टोगेमी, दूसरा आपका है फिनेरोग्रेमी आपका है। तो इसमें आपका क्लासिफिकेशन दो रहता है मेनली, कि फ्लावर और सीड्स का प्रेजेंस और एब्सेंस में। तो किसी में आप देखिएगा कि उसमें जो है फ्लावर्स रहते हैं, लेकिन किसी प्लांट में आप देखेंगे कि उसमें जो फ्लावर्स नहीं होते हैं, किसी में सीड होते हैं, किसी में सीड नहीं होते हैं। तो इन्हीं दो बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया गया है प्लांट किंगडम को दो कैटेगरी में, क्रिप्टोगेमी और फिनेरोग्रेमी में। तो देखिए, इसमें डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बस हम लोग वहीं पे वही चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें से जो आपका प्लांट टिश्यू है, तो ये जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा इसको कवर करेंगे। तो देखिए, जो प्लांट टिश्यू जो आपके होते हैं, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। तो देखिए, प्लांट के लिए जो है टिश्यू जो होते हैं आपका यहाँ पे, तो ये उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन कराने के लिए जो है उनमें भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं। तो मेनली जो कलेक्शन जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर में, जिनका उनका एक स्पेसिफिक फंक्शंस होती है, तो उन्हीं को टिश्यू बोला जाता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी टिश्यूज होते हैं, तो उसी तरीके से जो प्लांट होते हैं तो उनमें भी ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, जिनका अपना अपना जो है एक स्पेसिफिक फंक्शंस होती है। तो देखिए, जो प्लांट टिश्यू का जो होते हैं, मतलब जो सिस्टम्स हैं इनके, तो इनको जो है वेरियस कैटेगरी में इनको ग्रुप किया गया हुआ है, और इनका फंक्शंस के बेसिस पे एक्चुअली किया गया है कि इनका डिफरेंट फंक्शंस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लांट के टिश्यू जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो उसमें आपका एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा आपका है परमानेंट टिश्यू। अब इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है इनका, जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू में आपका जो है, तो इसमें भी इनका होता है जैसे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू आपका हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, और तीसरा आपका है लैटरल मेरिस्मेटिक।
तो इनका देखिए जो एपिकल मेरिस्मेटिक, एपिकल मतलब होता है जो टॉप टॉप का जो प्लांट, जो मतलब टॉप पार्ट में जो होता है प्लांट का, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। और जो इंटर कैलरी है तो मतलब बीच का पार्ट का हो गया प्लांट का, और लेटरल मतलब है तो नीचे का जो पार्ट रहता है प्लांट के। तो ये है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो मेनली आपको यहाँ पे दो कैटेगरी याद रखना है, मेरिस्मेटिक टिश्यू का, दूसरा परमानेंट टिश्यू का। ये आप लोग याद नहीं भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये दो क्लासिफिकेशन याद रखना है यहाँ पे। और देखिए जो परमानेंट टिश्यू आपका है तो इसके अंदर में भी फर्दर इसके और क्लासिफिकेशन है। जैसे कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं तो ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, और दूसरा आपका है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जिसमें कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो इसके भी फर्दर और क्लासिफिकेशन है इसके। जैसे कि आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर में आपके होते हैं पेरेंचाइमा, कोलेनचाइमा, तीसरा आपका स्क्लेरेंचाइमा। और वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका है तो इसके दो फर्दर और क्लासिफिकेशन है इसके, एक आपका है जाइलम, दूसरा आपका है फाइलम है। तो देखिए इन सभी का जो है अपना अलग अलग फंक्शंस होती है इन सभी का, तो इसके बेसिस पे जो है इनका क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है यहाँ पे। तो आपने मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में देख लिया यहाँ पे कि ये जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे कि आपका अपर का ग्रोथ के लिए, बीच का ग्रोथ के लिए और नीचे का ग्रोथ के लिए हो गया इनका। और बाकी जो परमानेंट टिश्यू आपका है तो इसमें भी दो क्लासिफिकेशन आपका है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जिनका इनका भी फर्दर और अपना अपना टाइप्स है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इन दोनों के टाइप को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए जो टिश्यू जो होते हैं आपका यहाँ पे, प्लांट टिश्यू जो रहते हैं आपके यहाँ पे, जो सिस्टम है आपके, तो ये फंक्शनल यूनिट होते हैं। जैसे कि जितने भी प्लांट के जो और भी जो रहते हैं आपके, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, तो उनको सबको कनेक्ट करके रखा रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका पहला था जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू आपका था, तो इसका हमने आपको बताया था कि ये जो है प्लांट का ग्रोथ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल आपका होते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर में भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और जो कि इनके पास एक क्षमता होती है कि ये डिवाइड करते हैं सेल्स मतलब अपना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एपिकल मेरिस्मेटिक है तो जो एपिकल पार्ट यानी कि जो टॉप पार्ट होता है तो उसके लिए मेनली रहते हैं यहाँ पे ग्रोथ कराने के लिए। और बाकी जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक है तो बीच में रहेगा आपका। और जो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है तो जो लेटरल पार्ट जो होते हैं प्लांट के, तो वहाँ पे मेनली जो है इसका ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो है आपका दिया हुआ थ्री टाइप्स का आपका यहाँ पे है कि कौन सा रीजन्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कहाँ पे किनका ग्रोथ कराते हैं ये प्लांट का। तो उसके बेसिस पे ये तीन चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। और बाकी जैसे परमानेंट टिश्यू आपका है तो परमानेंट टिश्यू को देखिए इनको भी फर्दर जो है और इनको डिराइव किया गया है, मतलब और तीनों अलग अलग कैटेगरी में, दो अलग कैटेगरी में बांटा गया था आपका यहाँ पे। और मेनली जो परमानेंट टिश्यू आपका है तो ये जो है मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही डिराइव होते हैं ये, लेकिन इनके पास एक क्षमता जो होती है डिवाइड करने का। जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू जो रहते हैं तो इनके पास होता है डिवाइड करने का, यानी कि ये जो है अपने में डिवाइड ये कर सकते हैं जो सेल्स रहता है इनका। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, तो ये जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू से ये डिराइव होते हैं, लेकिन इनके पास डिवाइड करने का जो एबिलिटी होती है तो वो लॉस्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ में जो मैच्योर फॉर्म जो हो जाते हैं तो वो मतलब होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के पास ही रहेगा डिवाइड करने का क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, और बाकी जिनके पास जो क्षमता मतलब डिवीजन करने का वो लॉस्ट हो जाती है, तो आपका तो वो जो है आपका परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। और ये समझिए एक तरीके से कि ये जो अपना मैच्योर फॉर्म में जब आ जाते हैं तो अपने डिवीजन के बाद ये मैच्योर फॉर्म में आता है, तो वो आपका परमानेंट टिश्यू ही बन जाता है एक्चुअली में मेरिस्मेटिक टिश्यू से। तो ये मेनली दो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो देखिए जो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो आपका है यहाँ पे, इसको फर्दर जैसे कि क्लासीफाई आपका किया गया एक सिंपल परमानेंट टिश्यू में, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो यहाँ पे देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो इसके भी फर्दर जो है आपके अलग क्लासिफिकेशन इनका है। और मेनली देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो आपके रहते हैं तो ये जो है फूड का प्रिपरेशन में लिए हेल्प करते हैं। तो इसके फर्दर जो तीन टाइप्स आपके थे, पहला आपका जैसे पेरेंचाइमा आपका हो गया, दूसरा कोलेनचाइमा, तीसरा आपका है स्क्लेरेंचाइमा। तो इनका क्या फंक्शन है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। तो देखिए जो पेरेंचाइमा जो टिश्यू है तो ये जो है मेनली ये सॉफ्ट पार्ट जो प्लांट के होते हैं आपके, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, या फिर जो फ्लावर जो हो गया, तो उसके जो सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं, जो मतलब कि मुलायम जो पार्ट जो होते हैं उसके, तो वहाँ पे ये एक्चुअली में ये फाउंड किए जाते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। और जो सेल्स जो होते हैं इस टाइप के टिश्यू का, तो ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। और इसके साथ साथ में जो इनके बीच में जो इंटर सोलर जो स्पेसेज होती है तो बहुत ही लार्ज होती है। आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हैं तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है इनके केस में। और मेनली देखिए जो पेरेंचाइमा टिश्यू जो आपके रहता है यहाँ पे, तो इनका मेनली जो फंक्शंस होता है आपका यहाँ पे, और जब मेनली स्टोरेज का हो गया, और स्टोरेज के लिए, और साथ में फोटोसिंथेसिस के लिए आपका हो गया, और साथ साथ में जो है जैसे कुछ प्लांट जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं वाटर में, तो वो उसमें ये हेल्प करते हैं।
तो मेनली इनका काम होता है स्टोरेज का और फोटोसिंथेसिस का, पेरेंजाइमा टिश्यू का। तो आपको बस यही चीज़ जो है याद रखना है इनका फंक्शंस क्या है। फिर दूसरा देखिए आपका जो कोलेनचाइमा जो टिश्यू आपका है, तो ये देखिए जैसे कि अपने पेरेंचाइमा टिश्यू आपने देखा था, तो ये उसी के जैसे ही मतलब सिमिलर सेल्स होते हैं इनका यहाँ पे, लेकिन इनका जो वॉल्स जो रहता है ना यहाँ पे, जो मतलब कि जो सेल जो वॉल्स रहती है इनके, तो वो थिकर होती है एज कंपेरिजन टू इनमें। और मेनली ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट जैसे कि आपका लीव्स हो गया आपका यहाँ पे, तो इसके जैसे मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं कि ताकि ये जो है इस पर स्टैंड कर सके, कोई लीफ मतलब कोई ब्रांच से वो अटैच होता है आपका यहाँ पे। और साथ साथ में जो है स्ट्रक्चर भी देते हैं अदर पार्ट जो होते हैं लीव्स के, जैसे कि पेटियोले आपका हो गया, तो क्या दे रहा है स्ट्रक्चर और सपोर्ट दे रहा है इस लीव्स को। तो कोलेनचाइमा टिश्यू जो है आपका ये मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद देखिए जो आपका तीसरा है स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू जो है आपका, तो देखिए जो सेल्स जो होते हैं स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू का, तो ये डेड सेल्स होते हैं एक्चुअली में, और ये एक रिजिड टाइप के भी होते हैं, और साथ में जो है ये थिक भी होते हैं, और साथ साथ में जो है इनमें एक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स होती है। मेनली देखिए जो स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू आपका है, तो इनका मेन फंक्शन आपका होता है जैसे स्ट्रेंथ और साथ में सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करना जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के। तो ये स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू और कोलेनचाइमा टिश्यू और पेरेंचाइमा टिश्यू क्या फंक्शंस है और ये क्या होते हैं, तो ये चीज़ आई होप जो है आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज ए लिविंग टिश्यू, तो कौन सा टिश्यू जो आपका एक लिविंग टिश्यू है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है स्क्लेरेंचाइमा, ट्रैकिड्स, या फिर इसके बाद आपको फाइलम फाइबर्स दिया हुआ है, या फिर पेरेंचाइमा दिया हुआ है। तो देखिए अभी आपको हमने बताया था कि जो आपका पेरेंचाइमा जो है, तो ये एक लिविंग टिश्यू आपका होता है, और ये आपका एक थिन वॉल्ड रहता है और एक अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इसकी होती है। और बाकी जो आपने देखा था कि जो बाकी जो आपका नीचे आपने देखा था यहाँ पे कि जो आपका जैसे स्क्लेरेंचाइमा पेरेंचाइमा टिश्यू जो होता है, तो वो आपके एक्चुअली वो डेड सेल्स होते हैं, लेकिन जो पेरेंचाइमा टिश्यू आपका है तो ये लिविंग टिश्यू का एग्जांपल आपका होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो देखिए परमानेंट टिश्यू के अंदर में आपने देखा था वहाँ पे एग्जाम्पल में कि एक आपका था जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा आपका था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका ये तीन होते हैं आपके, जैसे स्क्लेरेंचाइमा, पेरेंचाइमा और कोलेनचाइमा। लेकिन देखिए यहाँ पे जाइलम जो आपका है, तो ये जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है, जो कि हमने आपको वहाँ पे दिखाया था जो एक आपका फ्लो चार्ट था वहाँ पे। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन आपका हो जाएगा। तो ये जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, बल्कि ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो देखिए जो जाइलम और फाइलम आपका है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए। जाइलम जो है आपका, तो ये जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और फाइलम जो आपका है, तो ये फूड और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। तो आपको जो है यहाँ पे बस केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ ही जानना है यहाँ पे। अब देखिए और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन डैश द सेल्स आर लूजली पैक्ड सो दैट द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड। तो ये देखिए ये टॉपिक हमने अभी आपको बताया था जैसे पेरेंचाइमा के बारे में, तो उसमें आपने देखा था कि उनमें जो सेल्स के बीच में जो इंटरसोलर जो स्पेस जो होती है, तो वो आपका जैसे बहुत ही लार्ज होता है और वो लूजली पैक्ड होते हैं, और स्पेसेस भी वो इंटरसोलर स्पेस जो होता है तो वो भी लार्ज होती है। तो ये किस केस में होता है, तो ये पेरेंचाइमा में होता है, तो आपने देखा था अभी थ्योरी में। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि डैश टिश्यू इज कम्पोज ऑफ डेड सेल्स, तो कौन सा टिश्यू जो है वो डेड सेल से कम्पोज होता है। तो ये देखिए स्क्लेरेंचाइमा आपका हो जाएगा, हमने आपको अभी बताया भी था इसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थ्री आपका हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है आपका, इसे भी क्वेश्चन आता है। तो मेनली देखिए जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो इनका जो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जैसे ये जो है फूड और वाटर को ये ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करते हैं, जितने भी प्लांट के जो अदर पार्ट्स होते हैं उसके, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, हर पार्ट में, तो वहाँ पे जो है फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। तो जिस तरीके से सिंपल परमानेंट जो सेल्स आपके रहते हैं वहाँ पे, जैसे वो एक ही टाइप के आपके दिखते हैं यहाँ पे, और साथ में जो है वन टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए रहते हैं आपके यहाँ पे, तो उस तरीके से जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका है, तो ये जो है एक से अधिक टाइप ऑफ सेल्स ये बने हुए रहते हैं आपके। तो ये मेनली डिफरेंस है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में और बाकी जो आपका कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो आपका रहेगा, तो ये जो आपको एक ही जैसे दिखेंगे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, और ये एक ही टाइप के सेल्स के बने रहते हैं। लेकिन जो आपका कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो ये जो है आपका
मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स ये बने हुए होते हैं। तो इसके दो जो कैटेगरी था इनका क्लासिफिकेशन का आपका, तो वो दो होते हैं, एक आपका जाइलम हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे फाइलम आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो जाइलम आपका है, तो मेनली देखिए जो जाइलम है तो ये रूट और जो स्टेम जो होते हैं ना प्लांट के, तो ये वहाँ पे मेनली ये आपके पाए जाएंगे। तो जाइलम देखिए ये जो है आपका, ये केवल एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, वो है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब कि ये जो है आपका इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, और मेनली जो है आपका ये वाटर और साथ में जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में या ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करता है। बाकी जितने भी डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, तो उनको जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगा। देखिए रूट्स में आपका मेनली प्रेजेंट रहता है आपका यहाँ पे, तो इसमें वाटर और जो न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट रहते हैं, तो जाइलम ये जो है आपका वर्टिकली कंडक्ट करेगा और यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, तो वहाँ पर जो है आपका ये ट्रांसफ़र करेगा। और बाकी दूसरा जो आपका फाइलम है, तो जिस तरीके से जाइलम आपका है, जाइलम देखिए आपको हमने बताया था कि ये जो है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कंडक्ट करता है आपका यहाँ पे, लेकिन जो फाइलम है तो ये आपका दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये दोनों डायरेक्शन में आपका ये कंडक्ट करता है। और मेनली ये जो है आपका रूट्स में और साथ साथ में जो है आपका ये लीव्स में भी आपका जो है ये पाया जाता है। और मेनली ये रिस्पॉन्सिबल आपका होता है जैसे फूड, जितने भी मतलब फूड जो बनते हैं, जैसे लीव्स में आप जानते हैं कि फूड प्रिपरेशन आपका लीव्स में ही होता है, तो वहाँ से फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो रहता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, तो वो फाइलम का होता है। तो मेनली ये दो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा इन दोनों के डिफरेंस के बीच में। थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपको आगे भी जो है इसी तरीके से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।